ये एक इनकी जो नई शुक्रिया जय भेंट माता यहाँ दी। पर रिलीज होने वाली है, ये नई भेंट की एक कड़ी सुनाई। आखिरकार अगर हम बातचीत करें यात्रा के समय, पाडर में कलाकारों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे कलाकार आपको यात्राओं में दिखने को मिलेंगे जो लाजवाब है। आज सिंहासन माता की यात्रा चल रही है, 1 जुलाई से शुरू है और अभी आज 10 जुलाई हो चुका है और अभी भी भक्तों का इस तरीके से तांता लगा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर की वो रौनक है। यहाँ पर पहुँच के ऐसा एक सुकून मिलता है कि क्यों ना यहीं पर बैठा जाए और मंदिर पे आके, मंदिर के प्रांगण में आके ऐसा वातावरण लगता है जिससे मन मुग्ध हो जाता है। आखिरकार हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए, आखिरकार मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई बड़े बड़े, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे कि ऐसे कलाकार देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। आखिरकार हम अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहते हैं कि अभी हम सिंहासन माता चिट्टो में बिल्कुल उपस्थित हैं और हमारे साथ, पहले तो हम परिचय की दृष्टि से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ऐसे मेहमान हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नीरू राणा जी जो एक पाडर की प्रसिद्ध गायिका भी हैं और काफ़ी काफ़ी मंचों पर इन्होंने अपनी वाणी से लोगों को लुभाया है, नचाया है और उनके मन में इस पाडर जगत जननी का वो प्रेम भर दिया है। इनके साथ में ही हकीकत जी भी मौजूद हैं, इनकी भी कलाकारी की क्या बात करें, चाहे वो ढोलकी हो, चाहे वो राकेश जी, माफ़ कीजिए राकेश जी, नाम मुझे इतना ज्ञात नहीं है लेकिन अगर इनकी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैं फिर से सीधा रुख करूँगा सरपंच साहब के पास। इनकी पूरी जानकारी हमें, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा दें कि इनकी क्या पहचान है। ये अपनी नीरू जी जो इस वक्त चशोती, जहां मचेल धाम आता है, जहां मचेल यात्रा बहुत लाखों की यात्रा है, वहां का एक फर्स्ट गांव जो है चशोती, वहां इनका स्थान है जो बिल्कुल रास्ते में है। इन्होंने माता की जो भेंटें बनाई, इन पे अपार शक्तियाँ हैं माता की। इन्होंने बहुत सारी केस्टर बनाई और इनकी आवाज़ में इतनी बड़ी कशिश है जो लोगों को जब ये गाती हैं तो एक पूरा माता का जो संगत बैठी होती है वो खड़े उठकर नाचती है क्योंकि इनके आवाज़ में उतना बड़ा दम है। ये नीरू जी असल में ये हमूरी की रहने वाली है, ये शर्मा खानदान से हैं और इनकी शादी अपने राकेश जी चशोती हुई है। नाम जपला जन्म नाम जपला। देखिए ये एक इनकी जो नई भेंट यहाँ पर रिलीज होने वाली है, ये नई भेंट की एक कड़ी सुनाई। लेकिन कल शाम को मैंने इनका एक भजन सुना था, तब हम निद्रासन में थे, मेरे कान में कुछ आवाज पड़ी थी, एक हिंदी भजन जो गाया था, क्योंकि सभी दर्शकों को पाडरी समझ नहीं आएगी शायद, लेकिन एक हिंदी जो कल आपने भजन गाया था, मैं उसका नाम, हाँ वो आप जरा गा के सुनाइए। मैं भूलन जाना माँ, मैं भूलन जाना माँ, भेज के संदेशा हर साल बुलाना माँ, भेज के संदेशा हर साल बुलाना माँ, मांगे ना खजाना माँ, मांगे ना खजाना माँ, तेरे दीवानों ने तेरा दर्शन पाना माँ, तेरे दीवानों ने तेरा दर्शन पाना माँ। बहुत ही सुंदर भजन नीरू राणा जी ने गाया, क्योंकि काफ़ी जागरणों में आज ये लगातार काफ़ी 6-7 दिन से जागरणों में हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकती है आवाज़ की, लेकिन मैं अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि पाडर में कभी भी कलाकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक महिला किस तरीके से उभर कर पूरे पाडर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, मैंने आपको अवगत करवाया ऐसी महान अनुभव से।